हेलो एंड वेलकम आई एम राजीप चंद्राकर एंड आई एम सीनियर फैकल्टी ऑफ जोग्राफी एट अभिमनो आई पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है हमने देखा था उसके नॉम से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स और हमने बात की थी साइक्लोन असना के बारे में भी कि कैसे ये एक रेयर फिनमिनल है इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट इन अरेबियन सी इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें अब अगर हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं रिक्वायर्स लार्ज सी सरफेस विथ टेम्परेचर हायर देन ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस फॉर इट्स फॉर्मेशन दिस स्टेटमेंट सिम्स करेक्ट नाउरियलिस्ट फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड इन दॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमने पहले ही डिस्कस किया है कि कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के केस में जैसे कि आपका लो प्रेशर एरिया अगर डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ हाई हाई टेम्परेचर हाई सी सर्फिस टेम्परेचर एंड सराउंडिंग एरिया इज ऑफ हाई प्रेशर तो जो आपका विंड का फ्लो होगा दैट दैट इज विल बी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड द मूवमेंट दिस विंड विल गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स इट्स राइट इन केस ऑफ सदर्न हेमिसफियर इन केस ऑफ नदर हेमिसफियर टर्ड्स इट्स लेफ्ट इन केस ऑफ सदर हेमिसमिस्फियर की बात करते हैं तो ये एक एंटी साइक्लोनिक कंडीशन क्रिएट करता है एंटीक्लॉकवाइज कंडीशन क्रिएट करता है इन नदन हेमस्फियर एंटीक्लॉकवाइस रोटेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोस फोर्स एबसेंट होता है इक्विटोरियल बेल्ट में फाइव डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर जिसे हम डोल्ड्रम भी कहते हैं इस एरिया में जब ये एबसेंट होता है इसीलिए यहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी एबसेंट होते हैं दिस स्टेटमेंट इज इन करेक्ट अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें साइक्लोनिक विंड मूवमेंट्स आर क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द नदन हेमिस्फीयर सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज वी ऑलरेडी सॉ दैट द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स इन नदन हेमिस्फीयर थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट सो वन एंड थ्री विल बी करेक्ट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि एक पीवाई क्यू है ट्वेंटी ट्वेंटी में ये क्वेश्चन आया था तो ये प्रिलिम्स का पीवाई क्यू है इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूपीएससी ट्वेंटी ट्वेंटी टू का क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेटमेंट इज जेट स्ट्रीम ऑकर इन दी नदन हेमिस्फीयर ओनली सेकेंड स्टेटमेंट ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द टेम्परेचर इन साइड द आई ऑफ ए साइक्लोन इज नियरली टेन डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग अगर हम इन तीनों स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है क्योंकि जेट स्ट्रीम नदन हेमिस्फीयर में भी है और सदन हेमिस्फीयर में भी है वो दी Uh, hemispheres have jet stream. That is, upper tropospheric wind are there in both the hemispheres. As far as meandering of jet stream is concerned, that is known as Rossby wave. So, if we look at the map of the jet streams of the globe, then in both the hemisphere we will have jet streams. So, first statement is incorrect. Only some cyclones develop an eye. This statement is correct because. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के केस में तो आई डेवलप हो जाता है लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या फिर टेम्परेट साइक्लोन्स की बात करें तो उसमें आई यूजुअली डेवलप नहीं होता है दूसरी चीज अगर हम इंटेंसिफिकेशन ऑफ साइक्लोन्स की बात करें तो कुछ साइक्लोन्स ऐसे होते हैं जहां पर आई डेवलप नहीं होता है तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हो जाता है अगर हम टेम्परेट साइक्लोन को इसमें कंसिडर करते हैं तो या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को कंसिडर करते हैं थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि हमने देखा है अपने पिछले वीडियो में कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के सिनारियों में जो लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है दैट इज बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर और ये हाई टेम्परेचर होता है अराउंड द आई ऑफ द बॉल तो इट इज यूजुअली 10 डिग्री सेल्सियस वार्मर एज कंपेयर टू दराउंडिंग रीजन ये वार्मर होता है ना कि लेसर होता है तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है और इसका आंसर होता है सिर्फ Second statement that is two only. So C is the correct answer as far as this PYQ is concerned. So to get more questions related to cyclones as well as temperate cyclones, join the link given below, join the group and get more questions as far as cyclones and tropical cyclones are concerned. Thank you.